नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा विधायक कैसा हो। मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव है, ऐसे में इस सवाल की प्रासंगिकता बढ़ जाती है कि विधायक किसी क्षेत्र में कैसा होना चाहिए, आम जनता वहां का विधायक कैसा देखना चाहती है, जो मौजूदा विधायक हैं उनसे आम जनता कितनी खुश है कितनी नाखुश है, और मौजूदा विधायक ने कितना काम किया है, कितने काम पेंडिंग रह गए हैं, खुद विधायक अपने बारे में क्या आकलन करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो हम सिर्फ विधायक से ही पूछ सकते हैं। और इस वक्त कोलारस के भाजपा के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार, आप सब लंबे बहुत स्वागत। लंबे समय से आप विधायक हैं, वहां पर आम जनता में काफी प्रसिद्ध भी हैं आप। और क्योंकि सवाल ये उठता है कि एक विधायक ही लोकतंत्र का निर्माण करता है, एक विधायक ही सरकार का निर्माण करता है, तो जरूरी हो जाता है कि विधायक से खुद ही बातचीत की जाए। यदि आपसे हम सवाल करें कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, पिछले सालों में आपने आप जनता को क्या दिया है, यदि आप अपने आप से सवाल पूछेंगे तो ऐसे कौन से 3 बड़े काम हैं जो आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए कि ये 3 बड़े काम है जो आपने कोलारस की जनता के लिए किए। सड़क, बिजली और किसानों को सिंचाई, ये 3 विषयों पर मैंने बहुत काम किया है जी। काम तो हर विषय पर किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर अगर बड़े 3 काम की हम बात करेंगे तो सिंचाई के लिए डैमों के निर्माण की स्वीकृति कराना जी, पेयजल के लिए पानी का ही हमारा घर घर नल जल योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो देश भर में प्रारंभ की है, वो प्रथम चरण में मेरे विधानसभा में माननीय स्वराज जी के सहयोग से हम लेकर आए हैं, जिसका 70% काम हो चुका है जी। तो पानी के जो नल, जिस नल जल योजना की आप बात कर रहे हैं, क्या नलों में पानी पहुंचा है घर में या उसका उसके लिए प्रतीक्षा रखे हैं? अगले 6 महीने में पहुंचेगा, 70% पूरी योजना का काम हो चुका है। 3 दिवस पहले ही माननीय सांसद जी और हमने उसकी समीक्षा की है, पूरा बारीकी से स्टडी की है, तो लगभग 6 महीने में पानी की सप्लाई भी हमारे आ जाएगी। इंटेक वेल भी बनना प्रारंभ हो गया है मड़ीखेड़ा डैम नरवर पर, मेन लाइन भी सभी जगह बिछ चुकी है, डिस्ट्रीब्यूटरी लाइन डल रही है, पानी की टंकियां मेरे यहाँ 150 बनना है जिसमें 80 बनके कंप्लीट हो चुकी हैं, 70 टंकियों का निर्माण भी लगभग प्रारंभ हो गया है। तो अगले 6 महीने में हम उम्मीद करते हैं कि मड़ीखेड़ा नरवर, जो शिवपुरी जिले में बहुत बड़ा डैम है, वहां से फिल्टर करते हुए ये पानी आएगा। साथ ही साथ 480 गांव और जिले के इसमें लाभान्वित होंगे, टोटल मिलाकर 841 गांव की ये योजना है जी। जिस डैम के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो डैम अभी प्रतिष्ठित है, सिंचाई सिंचाई के लिए भी हमने एक बहुत बड़े कूनो नदी पर, जो गुना से चलकर बमोरी विधानसभा से कोलारस विधानसभा होती हुई पौरी विधानसभा से विजयपुर विधानसभा से चंबल नदी में जाकर के समाहित होती है मुरैना जिले में, बहुत बड़ी नदी है कूनो नदी, उस पर एक प्रोजेक्ट पे मैं 2018 से चुनाव जीतने के बाद ही काम कर रहा हूं। और 2019 में प्रथम सर्वे के लिए हमने माननीय मोदी जी ने जो सिंचाई की योजनाओं पर क्रियान्वयन किया है किसान की आय दोगुनी करने के लिए, उसमें हमने जुड़वा दिया था। 2019 से लेकर अभी तक संपूर्ण स्वीकृतियां होते हुए 6,601 करोड़ की ये योजना है, टोटल 600 गांव इसमें लाभान्वित होंगे, जिसमें मेरे विधानसभा के 200 गांव हैं, बमोरी विधानसभा के 65 गांव हैं, पौरी विधानसभा के 150 गांव हैं, शिवपुरी विधानसभा के भी 85 गांव हैं, और सोपोर जिले का विजयपुर जो विधानसभा है उसके भी लगभग 100 गांव हैं। कुल मिलाकर ये 600 गांव के जीवन बदलने वाली योजना कूनो डैम पीरी, जिसका अभी कागजों पर पेपरों पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना नाम अंकित किया गया है, और इसका कैबिनेट में स्वीकृति शेष है, कैबिनेट में प्रस्तुत भी जुलाई के महीने में भी ये होने जा रही है, अप्रैल जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में मुझे उम्मीद है कि इसके टेंडर जारी हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि पानी यदि वहां पर व्यवस्था आपने कर दी है तो वाकई आपकी बड़ी जीत हो सकती है। पेयजल और सिंचाई पर हमने काम किया, बिजली और सड़क पर भी इसी स्तर पर काम किया है जी। लेकिन सड़क की व्यवस्था जो है जो होनी चाहिए, क्या आप संतुष्ट हैं कि जो जिले को सड़कें मिलनी चाहिए थी उसमें से मिली? मैं अपने विधानसभा की बात कहता हूं, मैं नहीं, मेरे क्षेत्र के 2,39,000 मतदाता
संतुष्ट हैं। जो रोड़ें हमारी टिपिकल परिस्थिति में थी, उलझन में थी, उनको भी हमने सुलझाया है। और आज अभी मैं ऐसे गांव में हूं जिस गांव में माननीय स्वर्गीय राम सिंह दादाजी विधायक थे, हमारे वर्तमान पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी थे, उन्हीं के गांव में आज 2.5 करोड़ रुपए की 2.5 किलोमीटर की रोड का भूमि पूजन 5 मिनट पहले मैंने किया है और उस रोड को भी हमने आज कार्य प्रारंभ करा दिया है। तो इस तरह से मेरी विधानसभा में कोई भी ऐसा गांव शेष नहीं बचा जिसमें सड़क ना पहुंची हो। अब दो तरफ से और तीन तरफ से लोग उम्मीद करने लगे कि भैया इधर से भी जुड़वा दो, इधर से भी जुड़वा दो जी। और सड़कों के साथ साथ हमने सड़कों के साथ साथ हमने विधानसभा के चारों तरफ, एक तरफ पौरी विधानसभा है, एक तरफ शिवपुरी है, एक तरफ पिछोर है, एक तरफ चंदेरी विधानसभा है, तो एक तरफ बमोरी विधानसभा है, एक तरफ गुना और अशोकनगर विधानसभा है। लगभग 8 विधानसभाओं की सीमाएं मेरे कांग्रेस विधानसभा से जुड़ती हैं। 8 जगह पे मेरी विधानसभा कट ऑफ थी। नदियां और नाले से सीमाएं अंकित होती हैं, आप और हम जानते हैं, नदी और नालों पर पुल नहीं थे। मुझे गर्व है कहते हुए मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पर, के 100% 8 विधानसभाओं से पुल स्वीकृत कराकर लगभग आधी जगह पर काम प्रारंभ हो चुका है। सितंबर और अगस्त के महीने में 4 पुलों का हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जिसमें एक पुल 29 करोड़ का है, एक 11 करोड़ का है, एक 9 करोड़ का है। इस तरह से 8 दिशाओं में हमने अपनी विधानसभा को कनेक्टिविटी जोड़ने का काम भी किया है जी। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में उभरे हैं कि आपने कहा कि जो पानी की व्यवस्था है वो 6 महीने में हो जाएगी, जिस पुल की आप बात कर रहे हैं उन पर 4 महीने में उद्घाटन होगा, लेकिन कोई ऐसा काम जो आपके क्षेत्र आपके कार्यकाल में रहते हुए मुकम्मल हो गया, पूर्ण हो गया हो? ऐसे अनेक काम है, आपने 3 कामों में बांध दिया था तो मैंने महत्वपूर्ण 3 बताए। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में कोलरस को छोड़कर भदरवास और रन्नौत 2 नगर पंचायत है। रन्नौत की नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन 3-3.5 वर्षों में हमने नवीन स्वीकृत कराई और उसमें आज मौके पर लगभग 80 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। 1119 प्रधानमंत्री आवास निर्माण आदि ने जिनकी दूसरी किस्त हमने डलवाना प्रारंभ कर दी है। नवीन नगर पंचायत बनने के बाद 1119 आवास पर काम चल रहा है। 26 जगह पर गलियों में पेवर्स, ब्लॉक पेवर्स और सीसी रोड का काम चल रहा है। उसी जगह पर उसी कस्बे में कॉलेज की मांग थी, हमने कॉलेज भी स्वीकृत कराया। 4.5 करोड़ रुपए की कॉलेज की बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है। 30 जुलाई तक अगले हफ्ते हम उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। एक पुराना हमारा विधानसभा में ही भदरवास नगर पंचायत है, वहां भी कॉलेज की मांग थी। कॉलेज स्वीकृत कराने के बाद वहां पर भी हमारे कॉलेज का भवन बन चुका है। सितंबर के महीने में हम उसका भी लोकार्पण करेंगे। वर्तमान सत्र में हमारे दोनों नवीन कॉलेज भवनों में हमारे बेटा बेटी शिक्षा ग्रहण करेंगे। अनेक और ऐसे काम, बिजली के स्टेशनों की हमारे यहाँ मांग होती थी, 3 बिजली के सब स्टेशन, चाहे वो अगरा ग्राम का हो, चाहे वो भेड़ोन का हो या सुनाज टीला का हो, 3 में से 2 बनकर हमारे तैयार हो गए। 1 में बिजली सप्लाई प्रारंभ हो गई है अगरा में, भेड़ोन पर 25 गांव लाभान्वित होंगे। 31 जुलाई तक 10 दिन के अंदर हम उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। तीसरा हमारा लगभग बनने में अभी 3-4 महीने लगेंगे, सोनाज टीला गांव पर तीसरा बिजली का सब स्टेशन भी हमारा बन रहा है। तो बिजली हो, शिक्षा हो, जी जी हर क्षेत्र में लगातार आप जी हॉस्पिटल की बताइए। हम बात करें तो 2 उप स्वास्थ्य केंद्र भी हमने मंजूर कराए हैं। हमारे 2 ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक में, एक ग्राम खरे में और एक ग्राम गढ़ में, 2 की भूमि आवंटित हो गई है, टेंडर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है अगले 6-8 महीने में दोनों के भवन तैयार होंगे और हमारे दोनों ब्लॉक में इंटीरियर में 2 उप स्वास्थ्य केंद्र भी हम अपने चुनाव कार्यकाल के पूर्ण ही प्रारंभ कराने में सफल होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी पर काम किया जी, काम किया है। लंबी फहरिस्त आप बता रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, क्योंकि विधायक से उम्मीद करती है आम जनता। जो कोलारस की जनता है, कोलारस का जो क्षेत्र है, उसका एक ट्रेंड है कि वो जैसे राजस्थान में होता है कि भाजपा इस बार दे दिया तो फिर कांग्रेस देंगी, फिर कांग्रेस को बदल के भाजपा कर देंगी, कोलारस का भी लगभग यही ट्रेंड रहा है। आपको आभास है इस बात का कि
यहाँ की जनता ऐसे प्रयोग करती है कि पहले एक साल जो है भाजपा को देती है, 5 साल फिर कांग्रेस को देती है। क्या आपको लगता है कि इस बार ट्रेंड बदलेगा? मैं इस विषय पर ये कहना चाहता हूँ कि कोलारस विधानसभा क्षेत्र मेरी जन्मभूमि है। मैं वहीं के एक छोटे से गांव गेंदौरा का निवासी हूँ। पढ़ाई लिखाई और व्यापार और जनसेवा शिवपुरी में रह करके कर रहा हूँ हेडक्वार्टर पर, और मुझे गर्व है ये कहते हुए मेरे क्षेत्र के मतदाताओं पर कि 2018 के अंदर, 2013 के अंदर आम चुनाव में जो सीट भारतीय जनता पार्टी 27,000 से चुनाव हारी थी, और उसी सीट पर 4.5 साल के बाद उपचुनाव हुआ, वर्तमान विधायक स्वर्गीय आदरणीय राम सिंह दादाजी का देहांत हुआ, 6 महीने बाद भी पूरी सरकार उपचुनाव में कांग्रेस विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी और हम नहीं निकाल पाए, और ठीक 6 महीने बाद पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया और इस छोटे से सपाई को लड़ाया और इस सीट को मैंने सभी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला। मुझे गर्व है मेरे क्षेत्र के मतदाताओं पर। तब तो मैंने इतना काम भी नहीं किया था, केवल मेरी कार्यशैली कांग्रेस विधानसभा में गूंजती थी। मैं शिवपुरी में रहकर कर्मशील शिवपुरी में रहता था, केवल जन्मभूमि और संपर्क मेरा कांग्रेस में था। कभी कभी वहां से लोग आते थे तो उनका सहयोग मैं करता था। आज 5 वर्ष लगातार महीने में 25 दिन कांग्रेस विधानसभा का भ्रमण करके मैंने 10 दिशाओं में विकास का काम किया है। हितग्राही मूलक योजनाओं को क्रियान्वयन करने में, चाहे वो पीडीएस की कंट्रोल की दुकानें बंटवाना हो, 15 से 20 FIR हमने कंट्रोल के सेल्समैनों पर, कंट्रोल के प्रबंधकों पर कराकर इस व्यवस्था को दुरुस्त किया है। चाहे पुलिस थानों में दलाली प्रथा हो, चाहे पुलिस थानों में फर्जी मुकदमे लिखना हो, इनको पूर्णतः जीरो टॉलरेंट के हिसाब से हमने बंद किया है। अगर ओरिजिनल झगड़ा है, ओरिजिनल कोई प्रकरण है, तो ही मेरी विधानसभा में FIR होती है। फर्जी केस में पुलिस प्रशासन की मदद से हम किसी तरह से कोई FIR नहीं होने देते, तत्काल मौके की जांच कराने का आग्रह करते हैं। जी वीरेंद्र जी, आप सक्रिय हैं क्षेत्र में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप कर्मठ हैं लगातार, तभी आप काम भी कर पाए हैं। लेकिन आपकी एग्रेसिवनेस, आपको लगता है कि ये कहीं जो है इसके कारण आप अपने आसपास के लोगों में कहीं चर्चा में रहते हैं, आपके ऑडियो और वीडियो वायरल हो जाते हैं, आपको लगता है कि जो आपकी एग्रेसिवनेस है, जो आप अचानक जब किसी चीज पर रिएक्ट कर देते हैं, वो आपकी कमजोरी बन जाती है, ऐसा मानते हैं? मैं इसको कमजोरी नहीं मानता। अगर कहीं कोई अनियमितता कर रहा है और विधायक के नाते मुझे उसको डांटना पड़ेगा, तो ये मुझे अधिकार जनता ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लोकतंत्र ने दिया है। अगर वीडियो वायरल रिश्वत लेने का होता, वीडियो वायरल किसी से व्यक्ति का झगड़ा करने का होता, वीडियो वायरल अगर किसी चरित्रहीनता का होता, वीडियो वायरल अगर रेत की खदाने चलाने का होता, वीडियो वायरल अगर किसी तरह से दमंगी करने का होता, तो मुझे शर्म महसूस होती। अगर कानून की व्यवस्था ठीक करने में कोई वीडियो मेरा वायरल होता है, तो मैं गर्व से कहता हूं कि ये वीडियो वायरल मेरे जीवन भर होने वाले हैं और इस पर मैं ब्रेक करने वाला नहीं हूं। मैं व्यवस्थाओं को ठीक करने को लेकर अगर आक्रामक होता हूं, तो ये मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। मेरे क्षेत्र के लोगों की हर वो योजना देना चाहता हूं, हर वो हितग्राही मूलक योजना का क्रियान्वयन करना चाहता हूं। इसमें अगर कोई राजनीतिक दलाल हो, कोई हमारा प्रशासन का अधिकारी हो, अगर उससे मेरी झड़प होती है, तो वो जनता के न्याय के लिए होती है, हितग्राही मूलक योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए होती है, और ये मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। आप जनता पर आक्रामक हो, आप अधिकारियों पर आक्रामक हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार मंत्री पर भी आक्रामक हो जाते हैं। आपकी एक और बात, हालांकि वो पुरानी बात हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि इस एग्रेसिवनेस के कारण जो है कहीं आपके आसपास के लोग भी आपसे नाखुश हो जाते होंगे, खफा हो जाते होंगे? मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता और मेरे क्षेत्र की जनता योजनाओं का क्रियान्वयन चाहती है, अधिक से अधिक योजनाओं को अपने क्षेत्र में चाहती है। अगर योजनाओं में पलीता लगाने वाले कोई दलाल, जिनको मैं मीडिएटर कह सकता हूं, दमंग लोग जो गरीब की जमीन दबाते हैं, दमंग लोग जो कंट्रोल पीडीएस की दुकानों को बेचते हैं, गरीब में नहीं बांटते, अगर उन पर मुझे नाराज होकर उनको नाराज भी करना पड़े, तो मैं जनता के और छोटे कार्यकर्ता के हित में उनको नाराज करना कोई अपराध नहीं मानता। चलिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं मध्यप्रदेश की राजनीति की। मध्यप्रदेश में इस बार कांग्रेस जिस तरह से अपना रुख बता रही है, लगातार बात कर रही है कि मध्यप्रदेश में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, महंगाई बढ़ गई है, किसान जो है कर्ज के बोझ से दब गए हैं, और कई जगह जो है शिक्षा
आपातकाल की स्थिति, ऐसी कांग्रेस लगातार कह रही है और उसके वादे भी लगातार सामने आ रहे हैं कि वो लाडली बहना के अगेंस्ट जो है नारी सम्मान योजना डबल राशि देंगे, किसानों के कर्ज को माफ कर देंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गैस की टंकी को 500 रुपए की कर देंगे। आपको लगता है कि ये जो वादे हैं ये आम जनता तक कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, आम जनता मनन चिंतन कर रही है और कहीं इस बार पिछली बार जो कांग्रेस आ गई थी तो इस बार ऐसा क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश में भाजपा फिर से आ जाएगी? देखिए, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दे नहीं होते तो काल्पनिक सपने दिखाना उनका अपना प्लान हो सकता है, उनका अपना चुनाव में प्रदेश की जनता को गुमराह करने का ये चरण द्वितीय हो सकता है। प्रथम चरण में जब 2018 से सवा साल वो सरकार में रहे तो जितने वादे उन्होंने किए उसमें से कोई वादा वो जनता के सामने, चाहे वो स्टूडेंट्स को 8,000 रुपये या 4,000 रुपये जो भी उनने वादा किया देने की बात की, चाहे किसानों के कर्ज माफ की बात की, किसी पर खरे नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए, किसान के लिए, जन जन के लिए, विशेषकर हमारी लाडली लक्ष्मियों के लिए, लाडली बहनों के लिए, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। हर गरीब को पक्का घर देने का काम हम कर रहे हैं, हर गरीब को 80 करोड़ लोगों को प्रदेश में भी उसी रेशो में अनाज देने का काम कर रहे हैं। संबल योजना में विपत्ति में 2 से 4 लाख रुपए की सहायता की मदद हम कर रहे हैं। किसानों को 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि, चाहे वो आयुष्मान भारत में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख का इलाज मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम कर रही है, कांग्रेस सिर्फ सपने दिखाने का काम कर रही है जी। आपको उनको लगता मौका मिला जब उन्होंने सपनों को साकार नहीं किया जी। जी, तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस जो है जिस तरह से बात कर रही है कि इस बार तो जो है वो कुशासन से मुक्ति हो जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, क्या वाकई वो दिवा स्वप्न है या कहीं कोई धरातल पर भी कुशासन है? कुशासन कर्नाटक बिल्कुल उचित नहीं है। अगर देश के अंदर 28 राज्यों में टॉप 3 में अगर कहीं अमन चैन और शांति है तो हमारा मध्य प्रदेश उस टॉप 3 में आता है। अगर कोई एक भी अपराध होता है तो आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान रात रात को जगकर भी मध्य प्रदेश के उस गलत करने वाले व्यक्ति को जेल में डलवाने का काम करते हैं, उसका घर नेस्तनाबूत करने का काम करते हैं। एक एक प्रकरण को हमारे मुख्यमंत्री स्वयं देखते हैं। इसलिए ये कहना कि किसी तरह से अव्यवस्था या कुशासन है, ये दोनों ही शब्द ठीक नहीं। वीरेन जी, चुनाव चूंकि आने वाले हैं, आप अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं फिर से एक बार? निश्चित रूप से मैं पार्टी से अपेक्षा भी करता हूं, जनता जनार्दन के बीच में लगातार पार्टी नेतृत्व तो सर्वे भी करा रहा है। मैं आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन मेरे क्षेत्र की मतदाता भाई बहन जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश की योजनाओं को 100% क्रियान्वयन कराने का काम इस कांग्रेस विधानसभा के जनप्रतिनिधि ने, मैंने स्वयं ने किया है। तो राजनीति में सभी अपेक्षा करते हैं कि पुनरावृत्ति हो, पार्टी हमें भी दोबारा मौका दे। जनता जनार्दन के सर्वे भी हो रहे हैं, पर मैं पार्टी नेतृत्व को भी कहना चाहता हूं कि अगर सर्वे मेरे पक्ष में जनता के आए तो मुझे मौका दीजिए, और सर्वे अगर मेरे फेवर में ना आए तो मुझे मौका देने की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। अंतिम सवाल ये है कि आप चूंकि अभी कई योजनाएं आपने बताई हैं जो आप कह रहे हैं कि लगभग पूरी होने को हैं और कुछ 8 महीने बाद 9 महीने बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जब यदि आप फिर से विधायक बन जाते हैं तो क्या कोई नया ब्लूप्रिंट आपके पास में है? जो योजनाएं चल रही हो तो पूरी करेंगे ही, लेकिन कुदरत की आम जनता को क्या नया देने वाले हैं यदि आप फिर से चुने जाते हैं? देखिए, जितने विषयों पर हमने काम किया है, जैसे हमने कहा कि 200 गांव में नहरें लाने का काम अभी हम कर पाए हैं और जो सेंक्शन हुए हैं, हमारे यहाँ 362 गांव हैं, बचे हुए गांव में अमृत सरोवर तालाब बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। इस वर्ष भी लगभग 60 अमृत सरोवर तालाब 50 लाख से 70 लाख रुपए की प्रति अमृत सरोवर तालाब की लागत हमने यहाँ बनाई है। अनेक गांवों में डम्बर सड़कें तो पहुंची हैं लेकिन गांवों में चार तरफ से रास्ता होता है, हम उन रास्तों पर भी डम्बरीकरण करा पाए। उन रास्तों पर मनरेगा योजना के अंतर्गत WBM रोड, मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत या मिट्टी मोरम रोड, ये डालने का भी काम करें। अगला चरण हमारा होगा कि बचे हुए गांव को भी हम पानी दें नहरों का,
बचे हुए गांव में चारों तरफ से सड़कों का हम जाल बिछाएं, बचे हुए इलाके में बिजली की समस्याओं में जैसे कहीं 20 घर की बस्ती हो गई है, कहीं 10 घर की बस्ती हो गई है, इनको भी हम डीपीआर रखवा पाए, ट्रांसफार्मर दे पाए, वहां तक 24 घंटे आवासीय बिजली दे पाए। तो अनेक अनेक जो छोटी समस्याएं हैं जो मेरे क्षेत्र की बची है, इनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए चलिए वीरेन जी, आपसे बातचीत हुई और सच मानिए ऐसा लगा कि आप लंबी फहरिस्त पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अधिकतम जो बातचीत हुई आप ये कह रहे हैं कि योजनाएं हैं और वो लागू होनी है, कुछ योजनाएं चल रही हैं जो पूरी होनी है। आम जनता ये एक्सपेक्ट करती है कि जो 5 साल मिलते हैं विधायक को, उस 5 साल के कार्यकाल में योजनाएं अपना मूर्त रूप ले लें। बहरहाल वो मूर्त रूप नहीं ले पाई हैं, आप अगले टर्न्योर की बात कर रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि आम जनता जो है वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है और वो पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी होती है। बहुत सारा धन्यवाद। एक लाइन में बात खत्म करते हुए आपको धन्यवाद दूंगा कि ऐसे विपत्ति काल में जब 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2 साल कोरोना रहा, इसके बाद भी हमने योजनाओं का क्रियान्वयन किया, भारतीय जनता पार्टी ने अग्रेसर होकर काम किया, लगातार हर समस्या का समाधान दिया। अगर पहले दिन से 5 साल का हमारा बिना कोरोना काल बिना कांग्रेस शासन काल के समय होता तो दृश्य कुछ और होता। इसके बाद भी कोई भी ऐसी बड़ी समस्या मैंने अपने क्षेत्र में नहीं छोड़ी है, चाहे वो बिजली की हो, सड़क की हो, पानी की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो। मैं इतना ही कहते हुए आपको धन्यवाद दूंगा और आपके माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुंचेगी। जनता जनार्दन को भी प्रणाम करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए कि मुझे उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना में मौका दिया, अगर मेरा काम अच्छा लगे तो आप जरूर सर्वे में मेरी बात करिए और मुझे मौका दीजिए, और मेरे काम से ना खुश हो तो मैं आपसे कोई नाराजगी नहीं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। चलिए रघुवंशी जी, बहुत सारा धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।